सहयोग करियो पर आप लोगों की आप बड़ी सुखद है ये तो वाली वेलकम स्वागत काम करने आप लोग करियो निश्चित रूप में बहुत सारा नया चेहरा दिख गया और आप लोग हनुमान बेनीवाल जी का अगर नीति नीति मांग मैंने आप विश्वास व्यक्त करियो तो निश्चित रूप में बहुत आशातीत परिणाम देखा है 3 तारीख आवेला मैं तो इतना ही निवेदन आप सबको करना आया हूँ अभी सिर्फ विश्लेषण करने को समय है कई लोग बेकाउन आवे अभी एक मैं तो अपन यदि कोई बात समझ नहीं तो सब पहले आप बुजुर्ग लोग जगह है बाकर बेटा हकड़ी बता ठीक जाओ कई चुनाव में तो गप मारने वाला लोग आवेगा गप्पा मारेगा और आदत हुआ गप की भी अभी बाबा घर में बैठे हो और बाबा बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई एक बार एक कोई गप मार रहा हो आदमी हो तो मैं लुगाई जो जाती जरा गाँव में कहना गप्पी वाले आए आई क्या भाई गप्पीड़ा वाले आई तो वहां बेचारी बड़ी परेशान हुई मैंने हाथ जोड़ियो के ये घर का धनी अब गप छोड़ दे तो मारो कि जीवन वही आसान मारो लड़के अगर कल मैं ही गप ने छोड़ा गप्पा बेचारे सुबह जल्दी उठ चूर मोर में बढ़ाए मैंने और बड़ो लाड गोड कर गीत ज्यादा गाल खाए तो गप छोड़ दिया वो आपके साथ रखियो पर जाए कह दो मारा काको जी हम आएगा और पाचो आयो पांच आयोजन में लुगाई पूछो कहे कि आज गप छोड़े हो पर बुरी हुई थारे पर थारे काको जी हमारे घर अरे आपका काका जी हमारे थे अरबन बांगाल का घर और सोमवार का बुलाया दो नाम के थी अब सोमवार का बेचारा भाई बैलगाड़ी ले जाना है वो नहीं बन जावे हालांकि चिलम भी होना रस्ता में मिले आप रोना फूका शुरू करिया वो नर्द वहां तर बैठ जाए चिलम छिल जाए आप आराम हो काका जी करिया जो काका जी खाई हो कि भाई आई क्यों नहीं काका जी साल करी हो कि अब है कट है कि भाई बेटा आंतर खेल लिए चिलम भी है क्यों आ नरा की मां ने ना जबकि रोई मई रोई क्यों गप्पा मारने वाला लोग है गपीड़ा हाँ गपीड़ा उठाओ ध्यान दीजिए मैं आगे जब मान लेने तो बड़े रोई में रोना पड़े लापानी की तो ध्यान रखेगा अभी मैं देखू एक घटा नेताजी ये इलाका में देखो थोड़ो अब दांतवाज वन है हम सड़का वो थोड़ो तो जाल कम बेची दे यो कारण हो तो पहले नेताजी लंबे लंबे आता कि हमारी असो गए तो बात हो गई हरीश चौधरी की बात हो गई सड़का को जाल भी जाएगा तो माई सोचो किए तो कहेंगे माँ को बाहर पहुंच नहीं ले लें तो साल दो साल इंतजार कर लगा जाल बिचाए दे तो जाल एड़ो बिचायो जो अब लंबी लंबी फेंकिया जुटी अभी क्या है नशा मुक्त क्यों सर करना है अगर देख नशा मुक्त क्यों सर करना है और पर रोड में जाए क्यों अरे जो मंगला खेल मात्र डोडा कट्टा खाली कर अरे भाई तो किस नशा मुक्त समाज बनाओ आप बात तो बताओ तो मैं तो इतना निवेदन करूँ विशेषकर युवा साथियों के कथनी और करने में पूरा अंतर है मान लोग कहते आप आपका नेता मत मान लीजिए आपका इतना सी बनवा लगा तो आप खुश हुआ क्या मैं माँ तो यहाँ गया मैं मांगी फॉर्च्यूनर गाड़ी में नेताजी ने घुमाता मार्केट सर की बड़ी है मैं फोटो बताऊ ने सब पहली मारी जगह मुलाकात हुई तो नेताजी घना बोले जरा मगर दो कार्या लागू लीला है कहो तो फोटो बताई दूसरी बात करूंगा पिताजी ने सब जाने कि मैं कहीं यहाँ मन क्यों ये दुर्ति बने पर मैं तो इतना निवेदन आप सबको करूँ सही दिशा को मैंने आगे पूर्ण बढ़ा रही हो आज आप देख रहे हो कि खड़े इलाका का मैंने जो विकास हुई हो लारला 5 साल का मैंने क्यों की दुर्ति को ने ये तो केवल डोगरा के अंधारा में थानों को रखी विकास को जो काम हुई पांचोड़ी उगते से की बात करी हाथों हाथ उगते से बुलाई दी हमको थे कोई मांग कौन करी पर मारी प्रबल इच्छा है हमको हनुमान जी जीतो तो ये रोड के मात्र व्यास पांचोड़ी में जारी मार्ग को एक तो खुले की खुलवा शिक्षा ग्रहण करी तो निश्चित रूप बाबा साहब अंबेडकर जो एक सपनो देखियो कि अंत्योदय या अंत में जो है उनका उदय करवा वो योजना है हम लाके और समाज के अंतिम शोर में बैठा व्यक्ति कि हाथ के महीने कलम आवे ताकत आवे आज मैं देखा क्यों सर ले क्यों सर मोंडवा मेड़ता और तीनों जगह ऐसी भी खुशी हमारे किसान परिवार की बेटियां बेटी है वहां को भी सिलो छोड़ो मैं कि कटे कटे आप यदि भाषण देवा और किसान का बेटा बेटिया दे दिन कलम हाथ में आए बे दिन आपा की तकदीर बदले रही से भाषणों की बन वाला सुनाओ मैं कई नेता है भाषण का थोड़ा ठो की पास जाता है और 5 साल बच पाचा है मैं तारा हिते से ये सब चीजें मैंने सोचने जरूरत है मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देव लोगों की जागृति जगह आई है अभी निमोला मुलाई माते एक मेघवाल परिवार की माता जी मैं क्यों मैं तो था 2-3 घंटे में लालना इंतजार करा मैं माता जी का ही हुक्म है तो माँ के बेटे एक स्कूल खुला हो जब आ है सब सही में जागृति और आज जागृति छोटा कर हनुमान जी धन्यवाद स्कूल कॉलेज सरका बिजली पानी आम मान कर दूंगा अभी आता ही मैं लोन जी ओर को दे दी मैं स्कूल में कमरों को नहीं आप ओड़ को भी वाजिब और ये ओड़ का एवज में दो कमरा बना हुआ
शिक्षा का मैंने कोई कमी रखा नहीं, और हाँ सही बात है कि शिक्षा के बिना समाज को उत्थान भी संभव हो। मैं भी चीज में जाना, मैं भी पढ़िया लिखा लूंगा। हमारे ध्यान है कि यदि आप कहे पढ़िया लिखा क्या रहा क्या बुजुर्ग बोला थोड़ा ये थोड़ी क्यों बिल्कुल शिक्षा को आप प्रचार प्रसार कर और ये इलाका में भी आप कोशिश करें उन्नत इलाकों में अच्छो इलाकों में। और कई लोग जगह हम शोषण भी करिए मन ध्यान है, कई लोग शोषण करे था शोषण मुक्ति भी था जिला पक्को वादो आप कर। अच्छे बुजुर्ग